Hi friends, welcome back to my channel Your Helping Hands. I hope you all are fine, you all are doing well. So aap mein se jin jin log soch rahe ho new vase kharidne ke liye to decor your home, unke liye ye video bahut hi helpful rahega kyunki is video ke through main aapke saath share karne ja rahi hu aapka jo old planter hai, old pot hai, usko aap kaise convert kar sakte ho beautiful vase mein. So today I am going to share with you vase painting makeover to give a new look to your home decoration. Aap mein se bahut सारे जन को पता है कि इस टाइप के प्लांटर और वास अगर आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए जाते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है. लाइक ये 400 से लेके 800 इवन 900 तक भी इसका प्राइसिंग जाता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. बट घर पे ही बहुत कम खर्च में कैसे ओल्ड पॉट को, ओल्ड प्लांटर को आप न्यू लुक दे सकते हो एक ब्यूटिफुल वास में और एलिगेंट प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हो, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कुछ पुराने पॉट्स एंड प्लांटर है जिसको मैं न्यू लुक देने वाली हूँ. ये सारे प्लांटर्स एंड पॉट मैंने लोकल मार्केट से परचेज की थी. इसको मैंने ये बहुत पुराना है, कुछ 7 to 8 ईयर्स ओल्ड ये सब पुराना है. इसको मैंने लोकल मार्केट से बहुत कम प्राइस में मैंने परचेज की थी, आई थिंक कुछ 50 से लेके 120 के बीच में. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे मेरे पास 4 फुटबॉल डिजाइन वाला प्लांटर है जो मैंने 4 to 5 ईयर्स बैक परचेज की थी 400 रुपीज़ में. ये देखिए 2 येलो कलर्स का एंड 2 ब्लू कलर्स का. सो इन चारों प्लांटर को न्यू लुक देने के लिए सबसे पहले मैंने इसको डार्क कलर से पेंट कर लिया है. उसके बाद इसका जो फुटबॉल वाला डिज़ाइन है वहाँ पे मैंने गोल्डन कलर से आउटलाइन कर दिया है. आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस. गोल्डन कलर से आउटलाइन करने के बाद ये जो फुटबॉल वाला डिज़ाइन है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पॉपअप होके आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. इसका ऊपर का जो पार्ट है उसको भी मैंने गोल्डन कलर से ही पेंट किया है. नाउ यू कैन सी जो सिंपल प्लांटर था वो कितने अच्छे एलिगेंट ब्यूटीफुल वास में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द 4 प्लांटर्स जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वास में. नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड प्लांटर. आप देख सकते हो मेरे पास एक लाइट येलो कलर का प्लांटर एक्चुअली था, इसको मैंने चेंज कर दिया है इसका कलर. तो ये जो इसका बेस कलर है लाइट येलो कलर का था तो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राइट येलो कलर से मैंने इसको पेंट कर दिया है. आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क एंड ब्राइटर येलो कलर से पेंट करने के बाद इसका जो लुक्स है कम्प्लीटली चेंज हो गया है. इसका जो ऊपर का पार्ट है उसको भी मैं गोल्डन कलर से पेंट करने जा रही हूँ. इसको मैंने 3 टाइम्स कोट किया है गोल्डन कलर से ही, थोड़ा सा गॉर्जियस लुक देने के लिए, ग्लॉसी लुक लाने के लिए. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. यू कैन सी हाउ इट लुक्स नाउ. नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड आइडिया. आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पाइनएप्पल डिज़ाइन का एक प्लांटर है. सो इसका भी लुक्स एंड कलर दोनों मैं चेंज करने जा रही हूँ. सो देखिए इस प्लांटर को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ब्रश से मैं इसको पेंट करूँगी तो इसमें पेंट ज़्यादा यूज़ होगा और फिनिशिंग भी उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि इसका थोड़ा सा जो डिज़ाइन है दैट इज़ डिफरेंट. सो फर्स्ट कोट करने के बाद आप देख सकते हो ये इसका कुछ लुक है. और उसका जो नेक पोर्शन है उसको मैं गोल्डन कलर से पेंट करने जा रही हूँ. ये देखिए मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है. एंड इसका बॉडी पोर्शन सेकंड कोट करने के बाद आप देख सकते हो कितना ग्लॉसी लग रहा है, शाइनी लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है ये. इसको मैं थर्ड कोट भी करने वाली हूँ थोड़ा सा और ग्लॉसी और बेटर लुक क्रिएट करने के लिए. सो आफ्टर थर्ड कोट यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस प्लांटर. नेक्स्ट मैं फोर्थ आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. यहाँ पे एक वाइट कलर का आप देख सकते हो प्लांटर मेरे पास है. सो इसको भी कलर करके मैं इसका लुक्स चेंज करने वाली हूँ. उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर का मैंने पेंट ले लिया है. एक्चुअली मेरे घर में एक जो वॉल है डार्क कलर का है, उसके लिए मुझे एक लाइट कलर का वास चाहिए था. सो इसीलिए मैं इस प्लांटर को लाइट कलर से पेंट कर रही हूँ. इसको भी मैंने 2 कोट पेंट किया है लाइट पिंक से और उसके बाद गोल्डन कलर से मैंने फ्री हैंड डिज़ाइन किया है. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस प्लांटर. नाउ यू कैन से वास. सो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिफ्थ आइडिया. दिस इज़ द लास्ट आइडिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक सिंपल प्लांटर है, सेरामिक प्लांटर. ये भी मैंने 50 रुपीज़ में ही परचेज की थी, बहुत पुराना है. सो इसको भी मैं कलर चेंज करके थोड़ा न्यू लुक क्रिएट करूँगी. सो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर से इसको मैंने पेंट किया और इसका जो नेक पोर्शन है एंड नीचे जो बॉटम पोर्शन है आप देख सकते हो बॉर्डर, इन दोनों को मैंने गोल्डन कलर से पेंट किया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड डिज़ाइन किया. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस प्लांटर. दिस इज़ माई फेवरेट प्लांटर, फेवरेट वास. सो सिंपल प्लांटर को वास में कन्वर्ट करने का आइडिया आपको कैसा लगा है और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन. मैं और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेके आऊँगी. टिल द टाइम बाय बाय, स्टे हेल्दी.